अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी लेके एक न्यू सिंपल सी आसान सी रेसिपी आल की प्याज आलू की। ये आल की प्याज आलू बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन आप ज़रूर दबाइएगा, आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। चलिए हम आपको सबसे पहले हम इसको बता देते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ये सारी सब्ज़ी को अच्छे से कट कर लिया था धोकर। ये देखिए हमने ये इसके पत्ते भी काट लिए थे आल की प्याज के बारीक बारीक, और ये प्याज हमने अलग काटी थी। ये देखिए इसको हमें फ्राई करना है, पत्ते अलग काटे थे और प्याज हमने अलग काटी है। ये हमने आधा किलो आलू लिए थे, आधा किलो आलू लिए हैं, इसको भी हमने कट कर लिया है। एक आलू में से हमने चार टुकड़े कर लिए थे, ये देखिए छोटे छोटे। तीन हमने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, इसको भी हमने कट कर लिया है। ये देखिए सारी सब्ज़ी हमने कट कर ली है। अब इसको हम चलिए चढ़ाने की तैयारी करते हैं। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ये आल की प्याज आलू बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए एक कप के करीब हमने ये तेल डाला है। अब अच्छे से इसको गर्म होने देते हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर जो आल की प्याज हमने अलग काटी थी उसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। हो गया अच्छे से, अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टेस्पून जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अच्छे से फ्राई हो गया इसके अंदर, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज जो आल की प्याज हमने काटी थी, पत्ते अलग कर दिए थे, प्याज अलग कर दी थी, इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसी मान रही अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये जब तक गोल्डन नहीं जाती जब तक हमें इसको भूनते रहना है। इसमें कोई लहसुन नहीं जाएगा, कोई अदरक नहीं जाएगी इसके अंदर, वरना इसमें गरम मसाला जाएगा। बहुत ही कम मसालों में बनके तैयार हो जाती है हमारी सब्ज़ी। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो टमाटर हमने कट कर लिए थे, तीन टमाटर थे बड़े साइज़ के, अब इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर मसाले। आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर, एक टीस्पून डालेंगे हम इसमें, एक चम्मच हमने धनिया का लिया है ये भी डाल देंगे इसमें। ये एक ही चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच और लेंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमने लहसुन नहीं डाला, लहसुन नहीं जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा चम्मच नमक हो गया है, अगर नमक कम रहेगा तो फिर बाद में हम और डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर डालेंगे ये आधा टीस्पून डालेंगे हमें कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। अब इसको अच्छे से हम पहले मसाला हम भून लेते हैं। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इसमें हम आलू ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम पानी एक चम्मच से। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला हमने, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। हरी मिर्ची, ये तीन हमने हरी मिर्ची ली थी, इसको हमने कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे।
चलिए अब इसको टमाटर को गला लेते हैं। हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं आलू। ये देखिए अब इसमें हम आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू डालते हैं हम, अच्छे से इसको भून लेंगे। पहले हम इसको भूनेंगे अच्छे से। भून रहा है, इसके हल्की प्याज के पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक सीटी में आलू हमारा अच्छे से गल जाएंगे, बस हमें एक सीटी लगानी है। एक सीटी आने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत अच्छे से हमारे हल्के प्याज आलू आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हम भूनेंगे। देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो गई, तेल भी हमारा सारा ऊपर आ गया है इसका। सर थोड़ा सा भुनना है और आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से गल रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये देखिए आधा टेस्ट स्पून हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। बहुत अच्छे से भुन गई है। चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हल्की प्याज आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक न्यू सिंपल सी आसान सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।